So I'm Mr. Sameer Alawadi, who is an agriculturist and consultant for the past 21 years and is known to be an expert on crop cultivation, farming for pomegranate, guava, chiku, mango, sugarcane and definitely cauliflower, jis pe aaj hum logo ka seminar hone wala hai. And he has gained expertise in increasing the yield by 40%. He consults over pan India level with the sole motive of helping Indian farmers to achieve better results and profitability from their hard work over the years. His company Utkarsh Agrochem Private Limited works with a vision in consideration of environmental consciousness and manufactures more than 80 non-poisonous products for agriculture, horticulture, hydroponics, floriculture, aquarium plants, and organic farming. So, Sameer sir, the stage is all yours. Agar koi points reh gaya hai, toh aap please batayega. Pakka, theek hai. Thank you, ma'am. Thank you, Surbhi ji, for the introduction. आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कॉलीफ्लावर की फार्मिंग कैसे करनी है. जब हम हर पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो हमारी प्रोडक्शन जो नॉर्मली आ रही है जिसमें हम कुछ टेक्निकली नहीं देख रहे हैं, तो अपने आप 40% इंक्रीज हो जाती है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. और जो मैं 21 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो क्या रहता है कि हम जब सिस्टमेटिकली टेक्निकली काम नहीं करते हैं ना, तो प्रोडक्शन बहुत कम आता है जो एक्चुअल पोटेंशियल होता है. सुरभि जी ने मुझे बता दिया, मैंने पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग की है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया, विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीए. जैसे उन्होंने बोला 21 साल का अनुभव है. आई एम टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दूसरा, हमारे कंपनी सूरत बेस्ड है और हमारी वेबसाइट इज उत्कर्ष एग्रोकेम, जो हर पेज पे लिखा ही हुआ है. मैं अभी चैट बॉक्स देखूंगा शुरू में, बाद में मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर के व्हाई हैव यू जॉइन दिस प्रोग्राम एंड व्हाट आर योर मेजर कंसर्न्स इन डूइंग कॉलीफ्लावर फार्मिंग. तो क्या है कि आपके कंसर्न्स कितने कवर होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में मुझे मतलब आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे. सो मैं चैट बॉक्स अभी खुला है, एवरीवन कैन शेयर. आपने ज्वाइन क्यों किया है और आपका मेजर कंसर्न क्या है कॉलीफ्लावर फार्मिंग करने के लिए? दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द जब मैं अपना शेयरिंग कर रहा होऊंगा, तब मैं आपके कोई भी क्वेरी का उस समय जवाब नहीं दूंगा. उस आप दो तरह से, आपके जो कोई स्लाइड आ रही है, उस स्लाइड के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसी टाइम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं एट द एंड लास्ट में हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा. प्लस या ऐसा हो सकता है कि आप पेन पेपर लेके बैठिए, इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग इमीडिएटली, और लास्ट में अपना सवाल पूछ लीजिए. वांट टू लर्न अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉलीफ्लावर, हाउ टू ग्रो ऑल्सो, सर इट विल बी कंप्लीटली कवर्ड. रोहित जी, योर फ्लावर इज बॉल्टिंग, दैट विल बी कवर्ड. रमेश जी, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आप ये वेबिनार से लेकर जाएंगे. इफ एवरीवन इज डन, मैं फिर आगे क्या बोलते हैं, जो आगे स्लाइड्स हैं उनके ऊपर जाता हूं. आप अपना पूछते रहना क्वेरी, आपका कुछ भी पॉइंट मिस ना हो जाए. अभी बेसिक रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबल कॉलीफ्लावर फार्मिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हम कवर करने वाले हैं, क्लाइमेट क्या चाहिए, सॉइल कैसे चाहिए, कैसे सोइंग करना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इंटरकल्टीवेशन, वाटर मैनेजमेंट, पेस्ट डिजीज, हार्वेस्टिंग, यील्ड, स्टोरेज, हर पॉइंट का अपना अपना महत्व है. इसके अलावा भी जो जो तकलीफें पड़ती हैं
कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आपने वॉल्टिंग जैसे आपने बोला है, हम सब पॉइंट्स के ऊपर कवर करेंगे. सॉइल हेल्थ, सबसे कोई भी फार्मिंग करनी हो उसके अंदर सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है जमीन की हेल्थ कैसी होनी चाहिए. कोई भी हम केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो उसका अपटेक तब होता है जब सॉइल हेल्दी हो. अगर सॉइल हेल्दी नहीं है तो केमिकल फर्टिलाइजर अपटेक नहीं होगा. जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है वो जमीन का फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है वो पौधों का फर्टिलाइजर है. अगर आपको अपने पौधों को हेल्दी रखना है तो आपको जमीन को हेल्दी रखना पड़ेगा. उसके लिए जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने बहुत जरूरी है, जिससे जो केमिकल फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं तो वो इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में चला जाए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, वही जवाबदार रहते हैं किसी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. इसलिए जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उतनी ज्यादा फर्टिलाइजर सॉल्युबल है, उतना ज्यादा उनका अपटेक है और उतना ज्यादा आपका उत्पादन बढ़ता है. ऑलरेडी हर जमीन में, जिसको भी हम सॉइल बोलते हैं, हर जमीन में कुछ ना कुछ प्रमाण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु अवेलेबल ही है. इसको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी को बढ़ाने की जरूरत है ताकि सॉइल एक हेल्दी सॉइल कहलाए. जैसे ही हम गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे जीवाणुओं को जमीन में डालते हैं तो खराब जीवाणु जैसे कि खराब बैक्टीरिया, खराब फंगस, वो अपने आप घटने शुरू हो जाते हैं. तो हमारा एक प्रोडक्ट है उत्कर्ष माइक्रोब्स, जिसके अंदर सभी तरह के बायो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फोरस सोलिबिलाइजिंग, पोटास सोलिबिलाइजिंग, सल्फर सोलिबिलाइजिंग, ट्राइकोडर्मा पेसिलोमाइजिंग, वो जमीन को हेल्दी बनाने में बहुत काम करता है. जमीन को बहुत अच्छी तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह काम करने के लिए हमें ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में डालना बहुत जरूरी है. जैसे मैं आगे भी स्लाइड आएगी इसके बारे में कितना डालना चाहिए, तो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, तो 10 टन के आसपास कम से कम डालना चाहिए प्रति एकड़ ऑर्गेनिक कार्बन. तो जैसे ऑर्गेनिक कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी क्वांटिटी जमीन में बढ़ जाती है. इसलिए जमीन में ऑर्गेनिक मैन्योर देना खूब जरूरी है. ऑर्गेनिक मैन्योर अपने गोबर खाद जिसको बोलते हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम उत्कर्ष का यूमिनोज है जो यूमिक एसिड 98% है, 2 से 4 किलो दे सकते हैं. मार्वल जी भी है जो 10 kg प्रति एकड़ दे सकते हैं, जिसके अंदर यूमिक एसिड, फुल्बिक एसिड, एमिनो एसिड, सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी है. दूसरा, हम ग्रीन मैन्योरिंग हमें करना चाहिए. ग्रीन मैन्योरिंग अगर हम एक बार करते हैं तो हम 15 टन जितना ऑर्गेनिक मैन्योर दे रहे हैं उसके इक्विवेलेंट होता है. तो अलग अलग तरह के जो ग्रीन मैन्योर हमारे, हम गुजराती में उसको लीलो पड़वास बोलते हैं, तो वो है अल्फा अल्फा है, सस्बीनिया सन है, मतलब इसको हम शन भी बोलते हैं. तो या अलग अलग तरह के जो भी दाल वाले जो क्रॉप होते हैं जिनकी हम दालें बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, वो पल्स क्रॉप्स, वो भी एक ग्रीन मैन्योरिंग का काम करती है. ग्रीन मैन्योरिंग जब करते हैं तो नाइट्रोजन का फिक्सिंग हो जाता है उनके जड़ों के अंदर. तो नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कॉलीफ्लावर के अंदर. कितनी रिक्वायरमेंट है वो आगे की स्लाइड्स में आने ही वाला है. इसलिए ग्रीन मैन्योरिंग से अपना उत्पादन कॉलीफ्लावर का पक्का बढ़ता ही बढ़ता है. सेकेंडली, ग्रीन मैन्योरिंग अगर हम काट के रख देते हैं तो मल्चिंग का काम भी करता है, 2 से 3 महीने में सड़ जाता है और वो जमीन को बहुत हेल्दी बनाता है. कॉलीफ्लावर के लिए क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट है? कॉलीफ्लावर काफी सारे बहुत वाइड रेंज के क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करता है. जैसे सब ट्रॉपिकल में अलग रहता है, ट्रॉपिकल में अलग रहता है, लेकिन जो उसका ऑप्टिमम जो रहता है ग्रोथ के समय, जब उसका ग्रोथ हो रहा होता है उस समय 23 के आसपास, 23 के आसपास का टेम्परेचर रहना चाहिए. लेकिन जब फ्लावर बन रहा होता है, फूल बनना शुरू हो रहा होता है, उस समय 17 से 20 का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है. कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो 35 डिग्री तक सहन कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर वैरायटियां नहीं कर सकती हैं. ये कॉलीफ्लावर ठंडे एरिया में भी होता है और गर्म एरिया में भी होता है, लेकिन हर एरिया की सीड की वैरायटी अलग रहती है. मैं वैरायटीज के बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सब लोग पूरे इंडिया से अलग अलग रहते हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है. तो आपके एरिया के अंदर जो वैरायटी जो समय में चल रही होती है आपको उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करना चाहिए. तो नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है जो जिसमें बहुत अच्छा कॉलीफ्लावर उग सकता है तो वो है 10 डिग्री मिनिमम रहता है और 28 से 30 डिग्री सबसे अच्छा रहता है वेजिटेटिव ग्रोथ से. कर्डिंग का मतलब है कि जो फूल बनने का जो प्रक्रिया रहती है उसको कर्डिंग बोलते हैं. ये शब्द बार बार आएगा तो वो आप ध्यान रखना, कर्डिंग मीन्स फूल बनने की प्रक्रिया.
अगर जब कर्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, जब फूल बन रहा है, अगर वो टेम्परेचर 20 से बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत सारी वैरायटी के अंदर ग्रोथ के ऊपर असर आता है, मैच्योरिटी के ऊपर असर आता है, इसलिए उसमें ठंड के समय ज्यादातर इसको लगाया जाता है। जमीन कैसी होनी चाहिए? ज्यादातर सभी जमीन में हो सकता है, लेकिन अच्छी फर्टाइल जमीन के अंदर जैसे कॉलीफ्लावर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, जमीन भेज मॉइस्चर को पकड़ के रखे, उस तरह की जमीन बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, क्योंकि कॉलीफ्लावर को पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। आपने जैसा देखा होगा पानी के जैसा क्रॉप होता है, तो पानी को पकड़ के ना रखे तो उस तरह की सॉइल नहीं जलती है। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि और नदी के किनारे वाली जो जमीन रहती है, जिसमें क्लेई लोम बोलते हैं या गुजराती में हम उसको गोराडू जमीन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है मिड सीजन और लेट मेच्योरिंग वैरायटीज में। किस तरह की वैरायटीज है, वैरायटीज के प्रकार क्या क्या हैं, आएंगे वो आगे स्लाइड में आने वाला है, इसलिए आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। कॉलीफ्लावर जो है वो ज्यादातर बोरॉन और मॉलिब्डेनम और मैग्नीशियम, ये तीन के प्रति बहुत सेंसिटिव है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी वाली जमीन हो वो ज्यादा चलती नहीं है, उसमें जो उत्पादन चाहिए वो नहीं मिलता है। दूसरा, पीएच हो सके उतना कम रखने की जरूरत होती है, 6 से 7 पीएच वाली जमीन सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है। अगर आपका पीएच बहुत ज्यादा है और आपको कॉलीफ्लावर करना है, तो आप थोड़ा सा चूना डाल सकते हैं, चूना डालने से जमीन का पीएच घटता है। नॉर्मली ये 4-5 तरह से क्लासिफिकेशन होता है वैरायटीज का, और हर क्लासिफिकेशन के हिसाब से वैरायटी बदल जाती है और हर एरिया के हिसाब से बदल जाती है। ब्रॉडली 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन ये उसको 6 में भी किया जाता है। एक है अर्ली, एक होता है मिड वैरायटी और एक होता है लेट वैरायटी। ज्यादा अभी अपने हम जो इस पीरियड में चल रहे हैं उसको मिड वैरायटी बोलते हैं, जो इस समय लगाई जाती है, जो नॉर्मली सेप्टेम्बर मिड और मिड लेट, जैसे सेप्टेम्बर एंड में उसका सोइंग टाइम रहता है, मतलब बीज लगाया जाता है, और अक्टूबर और उसके अक्टूबर और मिड नवंबर के अंदर उसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। इस समय ज्यादातर सब जगह में जहाँ पे भी कॉलीफ्लावर होता है इंडिया के अंदर, एटलीस्ट हमारे गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर अभी इसी समय सारा का सारा कॉलीफ्लावर लगाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग एरिया है क्लाइमेट के हिसाब से, एक्स्ट्रा अर्ली, अर्ली, मिड अर्ली, इस तरह से भी लगाया जाता है। कितना सीड लेना चाहिए और उसका डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? अर्ली वैरायटीज रहती हैं उसमें 240 से 280 ग्राम प्रति एकड़ सीड चाहिए, मिड अर्ली के अंदर 200 ग्राम के आसपास चाहिए, मिड लेट वैरायटी के अंदर 160 ग्राम चाहिए और लेट वैरायटी में 120 ग्राम चाहिए। अर्ली क्रॉप का जो सीड के हिसाब से उसका स्पेसिंग भी रहता है और उसके साइज भी उसके हिसाब से ही बनती है। जितना आप क्या बोलते हैं सीड रेट ज्यादा लेते हैं, मतलब उतना क्रॉप नजदीक करना पड़ता है, क्योंकि अर्ली और मिड अर्ली वैरायटीज जो रहती है वो गर्मी के टाइम पे रहती है। गर्मी के टाइम पर हम बहुत दूर दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धूप लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनको नजदीक लगाया जाता है, 45x30 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है। जो मिड और लेट वैरायटीज रहती है उसमें फूल की साइज बड़ी बनती है, तो उसमें बड़ी बनने से सीड की जरूरत कम रहती है और उसका डिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है। फ्लावर के अंदर सीड का प्लांटेशन डायरेक्ट नहीं किया जाता है, उसकी पहले नर्सरी बनाई जाती है। तो नर्सरी कैसे बनानी चाहिए उसके बारे में छोटा सा करते हैं। काफी सारे किसान तो जो नर्सरी बना रहे होते हैं उनके पास से खरीदते हैं, लेकिन किसान खुद भी अपना नर्सरी बना सकते हैं। तो जो नर्सरी वाला जो एरिया रहता है उसके अंदर सबसे पहले हमें प्लाव करना चाहिए और जमीन को पूरा का पूरा प्लेन कर देना चाहिए। नर्सरी हमेशा कोई भी जगह पे नर्सरी बनाई जाती है तो वो नॉर्मली बेड्स पे बनाई जाती है, ताकि वापसा कंडीशन जल्दी आ जाए और फटाफट हमारा धरू हमारा रेडी हो जाए, प्लांट ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्लांट रेडी हो जाए। हमेशा नर्सरी के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत अच्छा यूज किया जाता है, ताकि जड़ें अच्छी तरह बने। वो जो बेड बनाया जाता है वो बेड नॉर्मली 1 मीटर बड़ा, 3-3.5 फुट पौड़ाई का और अराउंड 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट का बनाया जाता है। 1 एकड़ अगर आपको प्लांटेशन करना है तो 40 स्क्वायर मीटर नर्सरी आपके लिए सफिशिएंट रहती है। उसके बाद में एक बार अपना बेड ऊपर बना दिया और क्या बोलते हैं
कंपोस्ट या गोबर खाद डाल दी, नॉर्मली 8 से 10 किलो गोबर खाद प्रति स्क्वायर मीटर देनी होती है। अगर आप एक एकड़ के लिए कर रहे हैं तो 400 किलो के आसपास आपका गोबर खाद नर्सरी बनाने के लिए सफिशिएंट रहता है। तो सीड को लगाया जाता है क्योंकि सीड इसका बहुत ज्यादा महंगा आता है, तो इसलिए उसको भी स्पेसिंग को ध्यान में रख के लगाया जाता है कि 8 से 10 बीच सेंटीमीटर का रोज रहती है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में सीड रहता है। 1.5 से 2 सेंटीमीटर डेप्थ में उसका सीड को लगाया जाता है। लगाने के बाद में उसको सैंड के साथ में और गोबर खाद के साथ में कवर कर दिया जाता है। सीड को लगाने से पहले हम केमिकली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं या हम जैविक ट्रीटमेंट अगर करना चाहते हैं तो जैविक भी कर सकते हैं। जैसे हमने उत्कृष्ट माइक्रोब्स के बारे में बताया तो 25 ग्राम बहुत रहता है 250 ग्राम सीड के लिए। सीड्स को लाइन में लगाना चाहिए ताकि हर 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 सीड को बराबर पूरा जगह मिले और वो सीडलिंग जल्द से जल्द तैयार हो जाए। सीडलिंग लगाने के बाद में अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जैसे है तो काफी टाइम पर फंगस लग जाता है सीडलिंग के टाइम पे। अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कैप्टन या थायरम ले सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से, या अगर आप बायोलॉजिकल ले रहे हैं तो हमारा उत्कर्ष पंखप्री आता है जो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं ताकि आपका जो रूट रॉट आता है, जो जड़ों में सड़ जाने का प्रॉब्लम आता है, वो नहीं आता है। पंखप्री के अंदर ट्राइकोडर्मा विल्डी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, वो सब आता है। ये माइक्रोब्स, ये हमारा माइक्रोब्स प्रोडक्ट है। सीडलिंग को नॉर्मली तैयार होने में डिपेंड करता है कौन से महीने का है, तो 4 से 5 वीक, कई बार 200, कुछ वैरायटियां 2 से 3 वीक में भी हो जाती हैं, कुछ वैरायटियां 4 से 5 वीक में होती हैं। तो प्लांटिंग के लिए हमें 2 रो के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि अपना जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, सीजन कौन सा है, अगर अपना अर्ली है तो नजदीक लगाना है, अगर लेट वैरायटी है तो दूर लगाना है, और मार्केट की डिमांड कैसी है। नॉर्मली मार्केट के अंदर छोटा अगर आपको दड़ा चलता है, मतलब छोटा फ्लावर चलता है आपका, तो आपको नजदीक लगाना चाहिए, और आपके यहाँ पे बड़ी वैरायटी चलती है बड़ी वाली, तो आप दूर लगा सकते हैं, वैरायटी की सिलेक्शन भी उसके तरह से कर सकते हैं। अर्ली सीजन के लिए आप 45 cm by 45 cm ले सकते हैं, या मेन सीजन लेट सीजन में 60 cm 60 cm, मतलब 2 रो के बीच में 60 cm और 2 प्लांट के बीच में 60 cm, ये उसका मतलब ये है। तो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो एक्सपर्ट हैं, जो बहुत सालों साल से लगा रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज लगाते हैं, बहुत नजदीक लगाते हैं, 45 cm 2 रो के बीच में रखते हैं और प्लांट के बीच में 30 cm रखते हैं, 30 cm रखते हैं, और साथ में ड्रिप इरिगेशन भी करते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जो भी खेती करो ड्रिप के साथ करो, ड्रिप के साथ करने से बहुत ज्यादा फायदा रहता है, बहुत उत्पादन भी बहुत अच्छा आता है। और कुछ जो किसान रहते हैं जैसे महाराष्ट्र एरिया के अंदर, तो मैंने देखा है, मैं कुछ किसानों को जानता हूं कि जो हर 2 से 3 वीक के अंदर प्लांटिंग करते हैं अलग अलग वैरायटीज की। कॉलीफ्लावर के अंदर ऐसा रहता है कि जैसे महीना बदलता है या पीरियड बदलता है ना, तो उसकी वैरायटी बदल जाती है, तो वो भी अलग अलग वैरायटी, तो हर 2 से 3 वीक में करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को या व्यापारी को रेगुलरली कॉलीफ्लावर लंबे समय तक देते रहें। जो किसान लंबे समय तक कुछ भी देता है तो उसमें उसका मार्केट के साथ में, व्यापारी के साथ में अच्छा रेट मिलता है उसको। जमीन की तैयारी के अंदर सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह से प्लाव करना होता है और हैरो करके अगर बड़े बड़ा कुछ भी पीस है उसको एकदम तोड़ देना चाहिए। ये सारी की सारी तैयारी 1 महीना पहले ही करनी चाहिए, और उसके अंदर हमने जो गोबर खाद 5 टन 10 टन 15 टन जो भी हमें देना है, हमारा रिकमेंडेशन 5 से 10 टन का है पर एकड़, तो वो उसके साथ में मिक्स करके उसको रख देना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर के रिक्वायरमेंट नियरली 6 से 8 टन कम से कम देना चाहिए, आप 10 टन तक भी दे सकते हैं। एज पर यूनिवर्सिटी के जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से नाइट्रोजन N 50 किलो जाना चाहिए, फॉस्फोरस P 25 किलो जाना चाहिए, K पोटेश 25 किलो जाना चाहिए, और आप ये यूरिया के फॉर्म में दे सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं, और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। ये शेड्यूल जो है, मैं अभी दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा,
वाटर सोल्यूबल की भी बात करूंगा और जो लोग नॉन ड्रिप लूज वाटर देते हैं उसकी बात भी करूंगा। तो यूरिया टोटल मिला के 110 किलो देना चाहिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलो देना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अपना जमीन के अंदर क्या है उसका सॉइल टेस्ट कराने के बाद ही हमेशा तय करना चाहिए। सॉइल टेस्ट के में अगर आपके जो तत्व अवेलेबल है उसको आप कम कर सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम आपकी इतनी की रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो आप जब गोबर खाद शुरुआत में दे रहे हैं तो उसके साथ में आपको जितना टोटल SSP 155 किलो SSP और 40 किलो MOP, मतलब जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP भी कहा जाता है, तो वो साथ में दे देना है। 110 किलो यूरिया है उसमें से हमें आधा मतलब 55 किलो यूरिया शुरू में दे देना है और बाकी का जो आधा है वो 4 वीक के बाद में जब हम मिट्टी ऊपर चढ़ाते हैं उस समय ट्रांसप्लांटिंग के 4 वीक के बाद में देना है। इसके साथ में आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के मैं 2 शेड्यूल दे रहा हूँ, एक कॉमनली अवेलेबल चीज का दे रहा हूँ और एक हम उत्कृष्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। जैसे शुरू में ग्रोथ चाहिए तो 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप दे सकते हो, 40 ग्राम ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी आप दे सकते हो स्प्रे के द्वारा 12-61-0 MAP, 4 से 5 ग्राम, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट 2.5 से 3 ग्राम, साथ में बोरॉन। बोरॉन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, बोरॉन के बिना वजन नहीं आता और वो जो फ्लावर रहता है वो साथ में इकट्ठा होकर नहीं रहता है। और अगर आपको कर्ड मतलब वापस वो कर्ड को फ्लावर को कर्ड कहा जाता है, तो अगर आपको कर्ड की क्वालिटी एकदम अच्छी रखनी है तो आपको NOP नाइट्रेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम नाइट्रेट 13045 8 से 10 ग्राम का देना चाहिए स्प्रे के द्वारा। ये स्प्रे का शेड्यूल है हमेशा, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कॉलीफ्लावर की बहुत ज्यादा है तो इसके अंदर इसमें अगर आपको पता नहीं है तो सॉइल टेस्ट पक्का कराना चाहिए सभी तत्वों का, NPK का, मैग्नीशियम का, बोरॉन का, कैल्शियम का, मॉलिब्डेनम का। ये 5-7 तत्व हैं जो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर ये तत्व का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे भी। अगर आपके यहाँ मैग्नीशियम की कमी है तो आपको मैग्नीशियम का स्प्रे करना चाहिए 30-35 दिन में 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन में। कैल्शियम की अगर जमीन में कमी है तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना चाहिए, वो भी 30-35 दिन के हिसाब से करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट का कभी भी स्प्रे साथ में नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। अगर आपका आगे जो डिसऑर्डर्स की बात करूंगा, अगर आप जैसे आपने रमेश जी आपने बोला प्रॉब्लम है, अगर हॉलो है खुला मतलब अंदर स्टेम नहीं बन रही है, मतलब बोरॉन की कमी है, तो बोरॉन का शुरू में आप बोरेक्स भी दे सकते हैं 250 से 400 ग्राम, और कितनी कमी है 2-3 किलो भी कई बार देना पड़ता है। दूसरा अमोनियम मॉलिब्डेट की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है अगर जमीन के अंदर मॉलिब्डेनम की कमी है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस हिसाब से देना पड़ता है अमोनियम मॉलिब्डेट। अगर आप फर्टिलाइजर ड्रिप के द्वारा दे रहे हैं, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है अगर आपने पास ड्रिप इरिगेशन है तो हमेशा ड्रिप इरिगेशन से ही देना चाहिए। तो शुरुआत के अंदर NPK का सेम रेशियो रखना है, मतलब नॉर्मली 1 हेक्टर में ऑन एन एवरेज 1 किलो N, 1 किलो P, 1 किलो K जाना चाहिए। पहले दिन ट्रांसप्लांटिंग के पहले दिन से लेके 45 दिन तक रोज NPK मतलब 19-19-19 आप दे सकते हैं, या आप खुद उसका इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यूरिया MAP और 13-0-45 का कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो आप सेम प्रोपोर्शन के अंदर आपको देना रहता है ये 46 दिन से लेकर 70 दिन तक, जब क्या बोलते हैं कर्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, ग्रोथ का फॉर्मेशन कर्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय आपको ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा देना है, थोड़ा सा फॉस्फोरस देना है और ज्यादा पोटेशियम देना है। 3 किलो नाइट्रोजन, 1.5 किलो P2O5 और 3 किलो K2O। और जो थर्ड फेज रहता है 71 डेज से लेकर हार्वेस्टिंग तक, उस समय आपको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहती है। नाइट्रोजन 0.75 kg, ये हर रोज का है 1 हेक्टर के लिए। 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ के आसपास होता है, 2.47 एकड़ एग्जैक्टली कह सकते हैं हम। लेकिन ये एक बेंचमार्क है आपको, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, आपको सॉइल टेस्ट भी करानी है और हर सॉइल की जरूरत अलग रहती है, पीएच अलग रहता है, तो आपको ये समझ के करना है। जैसे आप मुझे भी फोटो भेज सकते हो या आपके लोकल कोई एग्रोनॉमिस्ट है उनकी भी आप कर सकते हो, तो आपका मैं फूल देख के बता सकता हूँ क्या कमी है। ये हमारा शेड्यूल है जिसके अंदर ये प्राइम ऑल है हमारा 10-10-10 है, स्ट्रेस फ्री है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं, ये स्प्रे शेड्यूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो आपको नॉर्मली कोई भी डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रिवेंटिव शेड्यूल है
जिसके अंदर हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन हम करते हैं। पांच से सात स्प्रे हैं। इसके साथ में अगर हमारा कोई पेस्ट का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है तो, अगर नहीं दिखता है तो हमें कुछ भी ऐड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है। हेल्दी ग्रोथ, स्पीडी ग्रोथ के लिए प्राइमोल और स्ट्रेस फ्री। प्राइमोल एनपीके है 10-10-10 ऑर्गेनिक फॉर्म में है। स्ट्रेस फ्री वापस से यूमिक फुलविक एमिनो सीबिड उसका कॉम्बिनेशन है। ये पैंथर हाई फॉस्फोरस हाई मैग्नीशियम हाई बोरॉन का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बी टू के अंदर 6-6 माइक्रोनोट आ जाते हैं। हॉर्स पावर के अंदर भी पॉलीफॉस्फेट आ जाता है, तो ये आपका फ्लावर फॉर्मेशन मतलब कर्ड फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। ये वजन के लिए साइज के लिए है। एफ एनहांसर जो ईडीडीए फॉर्म में कैल्शियम बोरॉन मैग्नीशियम है। बीम प्लस के अंदर जिब्रेलिक एसिड 6BA वो सबका आता है। और कॉम्बी टू के अंदर जैसे मैंने कहा माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं 6-6 तरह के। ये हो गई अपनी फर्टिलाइजर की बात। अब हम आते हैं कि अब आगे क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए हमें। इंटर कल्टीवेशन मतलब कि आंतरखेड़ हम जिसे बोलते हैं वो करना जरूरी है ताकि अपना हवा अंदर जाए और जो भी खरपतवार वीड्स जो भी उगी है वो बाहर निकल जाए। हम गुजराती में उसको निंदामन बोलते हैं। इस तरह से हमें इंटर कल्टीवेशन करनी है कि बहुत ज्यादा गहराई में रोटरी या आप कल्टीवेटर ना जाए। अगर वो जाएगा तो जड़ों को तोड़ने का डर रहता है। हमें उतना ही उसको गहराई तक ले जाना है कि ऊपर वाला लेयर उसका खुला हो जाए ताकि ऑक्सीजन अंदर जा सके। ऑक्सीजन जैसे अंदर जाता है तो वैक्सा कंडीशन इजीली आती है और रूट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप बरसात के सीजन में कर रहे हैं, जैसे अभी तमिलनाडु में इस समय बहुत ज्यादा बरसात चल रही है, उस समय भी कुछ एरिया में होता है, तो ध्यान दे के वो आप जमीन पर नहीं लगाएं, पहाड़ा के ऊपर रिज के ऊपर लगाएं और ताकि अंतरखेड़ करना एकदम इजी हो जाए। और जब हम इंटर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो चौथे वीक में कर रहे हैं, तो चौथे वीक के अंदर जो मैंने बताया आधा हमारा नाइट्रोजन बाकी है, तो नाइट्रोजन के साथ में ऊपर मिट्टी हमें चढ़ा देनी चाहिए। वीड्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खरपतवार को। उसके लिए आप दो टेक्निकल रहते हैं, ब्लू क्लोरिन मतलब ये प्री इमरजेंस है, मतलब आने से पहले वाला है, तो आप वो वासालिन ब्रांड से बिकता है जो 800 ml प्रति 150-200 लीटर पानी में डालना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन से पहले। और अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं तो पेंडीमिथालिन भी कर सकते हैं। वीड्स अगर बहुत ज्यादा रहते हैं तो आपका फर्टिलाइजर वीड्स ही खा जाते हैं और आपको उतना नहीं रहेगा। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल यूज मत करिए, आप मैन्युअली लेबर के द्वारा वीड्स को कंट्रोल करा लीजिए। वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये जो कॉलीफ्लावर है वो वाटर लविंग क्रॉप है, तो उसके अंदर जैसे ही ट्रांसप्लांट कर दिया हमने, जैसे ही हमने अपना पौधा लगाया, तो तुरंत के तुरंत हमें पानी देने की जरूरत रहती है। कितना पानी देना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लाइमेट में कर रहे हैं, आपकी सॉइल कैसी है और आपकी वैरायटी कैसी है। तो डिपेंड करता है कि अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो 7-8 दिन में पानी की जरूरत है, और विंटर में कर रहे हैं तो 10-15 दिन में पानी चलता है देना। लेकिन आपको ये देखना है कि मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, तो ही आपका ग्रोथ बराबर होगा, तो ही आपका कर्ड डेवलपमेंट मतलब फ्लावर का डेवलपमेंट बराबर होगा। अगर आप अर्ली और मिड सीजन में कर रहे हैं तो कम पानी की जरूरत रहती है, क्योंकि उस समय थोड़ी थोड़ी बरसात रहती है। ये बरसात वाले एरिया की बात है, जो दूसरे एरिया की बात है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहेगा कि आप ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम से करें, उससे पानी मेंटेन करना बहुत आसान है। रेगुलरली वैप्सा कंडीशन आ जाती है, जैसे ये वैप्सा कंडीशन एकदम रेगुलरली आ जाती है। जितना ज्यादा वैप्सा कंडीशन रहती है तो उतना न्यूट्रिशन का अपटेक अच्छा रहता है और उतना प्लांट का ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि मैं वैप्सा कंडीशन के ऊपर हर वेबिनार में बात करता हूँ, क्योंकि आपने कितना ऑर्गेनिक दिया है, कितना केमिकल फर्टिलाइजर दिया है, कितना बायो फर्टिलाइजर दिया, उससे कुछ फर्क नहीं है अगर आपके जमीन में वैप्सा कंडीशन रेगुलरली नहीं आ रही है। वैप्सा कंडीशन आएगी तो ही फर्टिलाइजर का अपटेक बराबर रहेगा, तो ही आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। वैप्सा कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जमीन में 50% भेज, 50% भेज है और 50% हवा है,
जमीन के दो कणों के बीच, ये जमीन के कण दिखाए हैं, इनके बीच में जो एरिया रहता है ये पानी है, भेज है और ये हवा है। वेप्सा कंडीशन हमेशा आनी बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रख के ही हमें वाटरिंग करना चाहिए। और ये ड्रिप के द्वारा या स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा वेप्सा कंडीशन बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि कम कम पानी दिया जाता है एक टाइम में। ये खूब इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ब्लेंचिंग टेक्निकल नेम है। ब्लेंचिंग मतलब कि एक ऐसी ऑपरेशन रहता है कि जब अपना कर्ड, कर्ड मतलब फ्लावर इतना हो जाता है, इतना साइज का हो जाता है, तो उसको पीला होने से बचाने के लिए, सन से बचाने के लिए, एक्सपोजर सन से बचाने के लिए, उसके ऊपर के तीन पत्तों को गोल बांध दिया जाता है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो पहला अपना दड़ा रहता है, हम गुजराती में उसको दड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको कर्ड बोलते हैं, या फ्लावर कहा जाता है, तो वो अपना फ्लेवर, उसकी सुगंध, जो स्वाद है वो निकल जाता है। वो नॉर्मली गर्मी वाली पीरियड में ज्यादा होता है, जिसमें प्लांट खुला रह जाता है, तो कुछ वैरायटी में अपने खोल खुला, कुछ वैरायटीज के अंदर पत्ते अपने आप अंदर की साइड चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वैरायटी में नहीं जाते हैं, इसलिए पत्ते को बांध देना जरूरी है। हमारे यहाँ सूरत में जो किसान करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दो से तीन पत्तों को तोड़ के एक दूसरे के ऊपर ढक देते हैं, जो लास्ट के जो दो तीन पत्ते रहते हैं, ये प्रक्रिया करते हैं तो ही आपकी क्वालिटी अच्छी रहती है, आपको अच्छा रेट मिलता है। नहीं तो पीले फ्लावर के अंदर कभी भी रेट नहीं मिलता है। अभी मैं जो आगे वाली स्लाइड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं जो अलग अलग कारणों से आते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस की वजह से आते हैं, इस पर आप खास ध्यान देना। इसको अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब कि दिखने में डिसऑर्डर आता है। कोई भी पेस्ट नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, पेस्ट डिजीज इसके बाद में आएगा। राइसीनेस बोलते हैं, राइसीनेस का मतलब है कि छोटे छोटे दाने, मतलब बाल जैसा उसमें बार आना शुरू हो जाता है, उसको टेक्निकल भाषा में राइसीनेस बोलते हैं। वो राइसीनेस में की वजह से ये, जैसे आप देख रहे हैं कि बाल जैसा सब जगह बाहर आ गया है, कैसे काला हो गया है, तो इसको पुअर क्वालिटी कहा जाता है। ये नॉर्मली अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा घट जाता है तो भी होता है, और कई बार आपने तोड़ने में लेट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। फजीनेस वापस एक टेक्निकल शब्द है। इसके अंदर जो कर्ड मतलब फ्लावर का कलर वेलवेटी हो जाता है, और ये कई बार बीज की कमी की वजह से भी होता है, और या फिर आपने सही समय पर सही क्लाइमेट में सही सीड नहीं डाला होता है तो भी हो जाता है। तो ये सीजन में, कौन सा सीजन में कौन सा वैरायटी लगेगा उसको ध्यान में रख के करना चाहिए, नहीं तो ये फजीनेस, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वेलवेटी कलर आ गया, वेलवेटी कलर में कर्सर दिखा रहा हूं आपको, ये देखो इस तरह का हो जाता है, उसको फजीनेस कहा जाता है। लीफीनेस हो जाता है, मतलब छोटे छोटे पत्ते उग जाते हैं, इसका मुझे फोटो नहीं दिख पाया, लेकिन छोटे छोटे पत्ते उग जाते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से भी वो ज्यादातर, वो भी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है जब कर्डिंग फेज पे, मतलब जब दड़ा बन रहा होता है उस समय आ जाता है, तो उसमें नए पत्ते आ जाते हैं, छोटे छोटे के पत्ते आ जाते हैं, उसको लीफीनेस बोलते हैं। ब्राउनिंग आ जाता है, ये नॉर्मली बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये शुरुआत में इस तरह का पीला रहता है और बाद में एकदम पीला हो जाता है, इसलिए हमारे रिकमेंडेशन के अंदर एफ एनहांसर है, कॉम्बी टू है, जिसके दोनों के अंदर बोरॉन आता है। नॉर्मली सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा कम होता है तो बोरॉन की कमी देखने को मिलती है। बोरॉन की कमी कैसे दिखती है उसके आगे स्लाइड आएंगी। विपटेल होता है जो नॉर्मली मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से होता है। अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ये पत्ते एकदम डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से विप टेल मतलब कि आपने क्या बोलते हैं, कैसे मार रहे होते हैं उसकी पूछ, पीछे का भाग, उस तरह का पत्ता हो जाता है। अगर आपकी जमीन की जमीन आपकी लाल है और आपका पीएच 5.5 से कम है तो मॉलिब्डेनम का अपटेक बराबर नहीं होता है। ऐसी जमीन में आपको मॉलिब्डेनम की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम पक्का देखने को मिलेगी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसा, बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जिसके अंदर बटनिंग हो जाती है, मतलब बटन अपना फ्लावर का हर बार अलग हो जाता है एक दूसरे से,
वो एक दाड़ा नहीं दिखता है, मतलब एक कर्ड नहीं दिखता है, उसके बटन जैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके अलग अलग कारण रहते हैं कि आपने जो सीडलिंग है वो 6 वीक से ज्यादा का हो गया है, जैसे मैंने बताया था 4 से 5 वीक वाला यूज कर लेना होता है, तो सीडलिंग 2 से 3 वीक के अंदर तैयार हो जाते लग जाते हैं। प्लांटिंग में आपने अर्ली वरायटी की करती है या लेट वरायटी की जल्दी करती है, अर्ली वरायटी की लेट करी उसकी वजह से भी बटनिंग हो जाती है, मतलब राइट टाइम पे राइट वरायटी नहीं करी है। हॉट गर्म और एकदम ड्राई वेदर है उस वजह से भी ये हो जाता है प्रॉब्लम। सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन नहीं किया है उसकी वजह से हो जाता है। आपकी नर्सरी को बराबर मैनेज नहीं किया था उसकी वजह से हो जाता है कि नर्सरी के अंदर पानी बराबर नहीं दिया उसकी वजह से हो जाता है। आपने बहुत पास पास पे नर्सरी बनाई थी, ग्रोथ बराबर उसका नहीं हुआ, वीडिंग ढंग से नहीं किया, जमीन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, पानी ढंग से नहीं दिया, इस वजह से हो जाता है। और जमीन का पीएच, जमीन का ईसी लेवल मतलब टीडीएस का लेवल बहुत ज्यादा है, पानी भर जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग कारण है उसकी वजह से हो जाता है। इसको आपको कंट्रोल करना है तो आपको अच्छी सीडलिंग यूज करनी है, राइट सीडलिंग यूज करनी है, और जो मैंने अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है उनको आपको फॉलो करना है। अब हम अलग अलग जो इंसेक्ट्स दिखते हैं और डिजीज दिखती है उसके बारे में देखेंगे। तो जो मेजर इंसेक्ट जो दिखता है, सबसे मेजर डायमंड ब्लैक मॉथ जो इस तरह का दिखता है, उदा होता है कि जो पत्ते के पीछे की साइड रहता है और पत्तों को होल्ड कर डालता है, उसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। आर्मी वर्म कभी भी अकेला नहीं होता है, उसमें आगे का पत्ता में डॉट डॉट जैसा दिखता है और पीछे इस तरह से बहुत सारे आर्मी मतलब कि एक साथ में ग्रुप में बहुत सारे हमें लार्वा दिखाई देते हैं। अगर शुरुआत हुई तो पत्ते को आप तोड़ दो, नहीं तो आपको तुरंत स्प्रे करना है। अगर अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो वो इतने बड़े लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा क्रॉप को खत्म कर डालेगा। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान रहता है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एफिड्स देखने को मिलता है, एफिड्स ब्लैक कलर के एफिड्स होते हैं जो वापस पत्ते के पीछे होते हैं, कॉलीफ्लावर लूपर बोलते हैं अपने, वो छेद कर डालते हैं अंदर। इसको नॉर्मली कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनिकली कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का यूज किया जाता है, या अगर केमिकली कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ती है। बीटल आता है, ये नॉर्मली बीटल अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें जो बीटल आता है कुकुम्बर बीटल नुकसानकारक होता है, बाकी लेडीबर्ड बीटल जो होता है वो हमेशा अच्छे पेस्ट में आता है। कटवर्म्स है जो काट डालते हैं पत्तों को, ये कम देखने को मिलता है। थ्रिप्स कभी कभी एक्सट्रीम क्लाइमेट हो तो ही देखने को मिलता है, वैसे ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए हमारी कंपनी का बायो क्लीन स्वीप है, 100% जैविक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर बिवेरिया बैसियाना, वर्टिसिल्म लिकेनी, मेटरिजियम और दूसरे 3 फंगस रहते हैं जो आप स्प्रे करते हैं तो ये जो हमने पेस्ट दिखाए थे वो काफी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं। अब अलग अलग तरह की जो डिजीज देखने को मिलती है हम उसको देखेंगे। बैकलेग डिजीज जिसमें डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग के अंदर हो जाता है, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि सीडलिंग को डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए, डैम्पिंग ऑफ मतलब कि पौधा उग रहा होता है और वो अचानक से मर जाता है, वो जड़ों में प्रॉब्लम आती है, अचानक से पूरा मर जाता है, तो उसके लिए आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हमारी जैविक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लब रूट मतलब एक साथ में इकट्ठा होकर जड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, उसको क्लब रूट करते हैं, ऐसा उसके सिम्टम्स के अंदर जड़ें सूखनी शुरू हो जाती हैं और पूरे फूल जाती हैं जड़ें उसके अंदर, इसलिए उसको क्लब रूट बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जड़ें फूल रही हैं। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू पत्तों पे ही आता है। डाउनी के अंदर पत्ता पीछे से इस तरह का पैटर्न बनाता है, सूख गया हो ऐसा है। पाउडरी के अंदर किसी ने पाउडर का स्प्रे कर दिया है, टेलकम पाउडर का स्प्रे कर दिया हो ऐसा देखने को मिलता है। ये नॉर्मली जब फॉग आती है, बहुत ज्यादा फॉग आती है उस समय ज्यादा देखने को मिलता है ये दोनों डिजीज। ये व्हाइट मोल्ड डेवलप हो जाता है फल के ऊपर। दूसरा कॉलीफ्लावर मोजेक आ जाता है, मोजेक मतलब एक तरह का ये वायरस ही है, इसकी कोई दवाई नहीं आती, इस तरह का अगर मोजेक आ रहा है तो इसको आपको निकाल देना पड़ता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए
हमें एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए ताकि स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये मोज़ेक जो है वो एक तरह का वायरस है और वो एपिड्स के द्वारा या थ्रिप्स के द्वारा बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल में रखने की जरूरत रहती है। रिंग स्पॉट फंगस देख रहे हैं, जैसे रिंग के फॉर्म में फंगस दिखाई दे रही है। फिर वायर स्टेम है, बिल्कुल स्टेम के आसपास का एरिया यहाँ का सड़ रहा है, इसको वायर स्टेम बोलते हैं। ये बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है, बैक्टीरियल है कि फंगल है वो हमें बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है। अगर फंगस रहता है तो उसपे कभी भी कोई स्मेल नहीं होती है, अगर बैक्टीरियल रॉट है तो बहुत गंदी स्मेल होती है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है तो उसके लिए आप जैविक के लिए हमारे कंपनी का सूडोस बोलते हैं, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, उसका स्प्रे कर सकते हैं बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट का, उसका अच्छी तरह कंट्रोल आ जाता है। या अगर केमिकल ट्रीटमेंट करनी है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आपको यूज करना चाहिए इसके लिए। ये ब्लैक रॉट है, क्लब रॉट है, ये सब तरह अलग अलग तरह के फंगस हैं जो इसमें कॉलीफ्लावर में लगते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा, अगर आप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या अगर ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं तो भी ये जैविक ट्रीटमेंट के लिए फंगफ्री दे सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो ये सब फंगस को कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडिज्म है, मेंटोज़ेब है, हेक्साकोनासोल है, कैप्टन है, इस तरह के अलग अलग टेक्निकल्स हैं जो आप दे सकते हैं। फंगफ्री के अंदर ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, इस तरह के 6 तरह के अलग अलग फंगस आते हैं जो सॉइल बॉर्न, जो भी ऊपर फंगस दिखाया उनके ऊपर वे बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। अभी अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। नॉर्मली 3 तरह के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, 3 तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, 3 तरह के सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, हम हर एक के बारे में देखेंगे। 7 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और जो तीसरे 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो सिलिकॉन, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम है। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला, नाइट्रोजन की जब कमी रहती है तो नीचे के जो लोअर लीव्स रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर ये पत्ता इस तरह से दिखता है लोअर लीव्स, और पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है, लाल रंग का थोड़ा थोड़ा पत्ता दिख रहा होता है, और ये पुराने पत्ते में ही देखने को मिलेगा। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें, जैसे मैंने बताया कि यूरिया यूज करना चाहिए शुरू में, या अगर आप स्प्रे करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है। फॉस्फोरस की अगर कमी हो रही है, आपने शुरू में जैसे मैंने बताया कि सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज करना है, आपने यूज नहीं किया या आपकी जमीन अपटेक नहीं करने दे रही है, तो इस तरह से पर्पल कलर के पत्ते हो जाते हैं, लोअर लीव्स नीचे वाले पत्ते पर्पल कलर के हो जाते हैं, तो वो फॉस्फोरस की कमी है। आपको आइडिया आ गया फॉस्फोरस की कमी है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, हमारी कंपनी का हॉर्स पावर वो ऑलरेडी रिकमेंडेशन में है ही, या फिर जैसे मैंने दूसरी स्लाइड में बताया था 12-61-0 MAP उसका स्प्रे कर सकते हैं, या 0-52-34 कौन सा स्टेज चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको शुरू में अगर आप ये सिंगल सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट या DAP का यूज कर लेते हैं तो ये कमी आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन साथ के साथ अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये कमी आने के कोई चांस ही नहीं है। पोटेशियम की कमी अगर रहती है तो उसमें पत्ते इस तरह से सूख जाते हैं शुरू में, या म्यूरेट ऑफ पोटैश आपको यूज करना है या सल्फेट ऑफ पोटैश कर सकते हैं। स्प्रेइंग के शेड्यूल में मैंने जैसे बताया आपको पोटेशियम नाइट्रेट 13-0-45 का यूज करना है, और लास्ट के स्टेज में एकदम कर्ड को क्वालिटी में रखने के लिए आपको सल्फेट ऑफ पोटैश SOP का मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगा, उसके अंदर हमारा रिकमेंडेशन है कितना किस तरह से करना है, तो उसका आपको स्प्रे करना है। मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये बीच वाले जो पत्ते रहते हैं, ऊपर वाले पत्ते रहते हैं, उसके अंदर इस तरह से क्लोरोसिस दिखाई देता है, उसकी जो नसें हैं वो ग्रीन कलर की रहती हैं और बीच बीच में से पीलापन दिखने लग जाता है, पूरा प्लांट इस तरह से, पौधा इस तरह से कर्ली हो जाता है, वो मैग्नीशियम की कमी रहती है। जैसे मैंने कुछ शुरू की स्लाइड में लिया था कि मैग्नीशियम की कमी हो तो आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, सॉइल टेस्ट कराइए, सॉइल टेस्ट बाय चांस नहीं करा रहे हो तो कम से कम 5-10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करिए। ये हमारे कंपनी का मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम की कमी अगर दिख रही है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी स्प्रे कर सकते हैं, या मैग्नीशियम EDTA का भी स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी ना हो उसके लिए सल्फर वापस अपर लीव्स के अंदर पीलापन ला देती है, शुरुआत उसकी यंग लीव से होती है और बाद में वो नीचे के पत्ते को भी पीला कर डालती है, पूरा का पूरा पत्ता ग्रीन होना शुरू हो जाता है। सल्फर की कमी के लिए आप बेटोनेट सल्फर का यूज कर सकते हैं, WDG 90% WDG का भी यूज कर सकते हैं।
जैसे आप मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं या माइक्रोन्यूट्रेंट यूज कर रहे हैं साथ में, तो नॉर्मली सल्फर की कमी देखने को नहीं मिलती. सल्फर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कॉलीफ्लावर के अंदर. कैल्शियम की वापस से रिक्वायरमेंट है. कैल्शियम और बोरॉन के अंदर इस दड़ा जो होता है वो पीला हो जाता है, पत्ते एकदम अंदर की साइड पर टर्न मार जाते हैं. उसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम ईडीडी का स्प्रे कर सकते हैं. जो हमारा एफ एनहांसर प्रोडक्ट है उसके अंदर कैल्शियम ईडीडी आता है, हमने रिकमेंडेशन में है ही ये. जिंक की कमी के अंदर ये बटनिंग हो जाता है, जैसे बटनिंग हो रहा है, पर्पल बन रहा है, तो जिंक की कमी में, जिंक की कमी ना आए उसके लिए ऑलरेडी प्रिवेंटिव के अंदर हमारे रिकमेंडेशन में कॉम्बिटू हमने दिया हुआ है. या बहुत ज्यादा जिंक की कमी इस तरह का दिख रहा है, बटनिंग दिख रही है, शुरुआत हुई है, तो आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो वो दूर हो जाती है. आयरन की डेफिशिएंसी वापस से बहुत कम दिखने को मिलती है. अगर आयरन की डेफिशिएंसी नए पत्तों के अंदर पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी दिख रही है, तो अगर आपका जमीन का पीएच क्या है उसके हिसाब से ले सकते हैं. पीएच 7.5 से ज्यादा तो आप एफईडीडी लीजिए, 6.5 से कम है तो 6.5 के आसपास है तो डीटीपी लीजिए, और 6.5 से कम है तो आप एपीएडा लीजिए. बोरॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बोरॉन का उपयोग करना ही करना है, इसलिए हमारे रिकमेंडेशन के अंदर कॉम्बिटू के अंदर भी बोरॉन है, एपेनांसर में भी बोरॉन है, तो उसका स्प्रे करते हैं. बोरॉन की कमी की वजह अभी हॉलोइंग जो मैंने आगे बात बताया था, हॉलोइंग अंदर ये हॉलोइंग हो रही है वो हो जाता है, पत्ते डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, फल का एकदम खराब हो जाता है. बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप बोरेक्स का यूज कर सकते हैं जमीन के अंदर, या आप बी शेप मतलब डाइसोडियम ऑक्टाबोर 20% जिसको सोलिबोर कहा जाता है उसका स्प्रे कर सकते हैं. बोरॉन का कैल्शियम की डेफिशिएंसी इस तरह से हॉलोइंग मतलब अंदर से खालीपन आ जाता है, उससे हमें मालूम पड़ता है, पत्ते अंदर गिर जाते हैं, जो ये कर्ड है वो पीला हो जाता है, उसका वजन भी नहीं आता है. कॉपर की डेफिशिएंसी वापस से बहुत कम देखने को मिलती है, अगर दिखती है तो इस तरह से दिखाई देती है. तो कॉपर की कमी हम कॉपर ईडीडी या कॉपर सल्फेट से कर सकते हैं. अगर आप कॉम्बिटू का यूज कर रहे हैं, रेगुलरली माइक्रोन्यूट्रेंट का यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली कॉपर की कमी आपको नहीं आएगी. मैंगनीज की कमी भी कम देखने को मिलती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा कर्ड जो है वो पीला बन जाता है. मॉलिब्डेनम वापस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है. बहुत सारे किसान कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों में मॉलिब्डेनम का उपयोग करते ही करते हैं. कॉलीफ्लावर का हम उपयोग नहीं करते हैं तो ये जो उसके हेरिनेस बाहर आ गया है जो मैंने आगे की स्लाइड में लिया था, तो मॉलिब्डेनम का उपयोग आप अलग से भी कर सकते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट से. कॉम्बिटू के अंदर तो आता ही है, लेकिन आपकी जमीन में अगर मॉलिब्डेनम की कमी है तो आप ये अलग से हमारा उत्कर्ष का मॉलिब्डेन मतलब अमोनियम मॉलिब्डेट 52% भी आप उसका स्प्रे 1 ग्राम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1 से 2 स्प्रे कर सकते हैं. हम हार्वेस्टिंग के बारे में देखते हैं. हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही समय पर जब उसकी राइट पूरी मैच्योरिटी हो गई हो, अपना कर्ड जो फ्लावर है पूरा पूरा एकदम कॉम्पैक्ट हो गया हो, पूरा व्हाइट कलर का हो गया हो, सफेद कलर का हो गया हो, तब कर लेना चाहिए. अगर हमने हार्वेस्टिंग अगर हम डिले कर रहे हैं तो ओवर मैच्योर हो जाएगा और क्वालिटी बिगड़ जाएगी. जैसे हम आगे देख चुके हैं अलग अलग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि लीपीनेस आ रही है, राइजीनेस आ रही है, फजीनेस आ रही है. ओवर मैच्योर टाइम पर हम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आ जाती है. दूसरा, सारे के सारे आपके जो फ्लावर है, कर्ड्स हैं, वो एक साथ में तैयार नहीं होंगे, तो आपको जो पूरे के पूरे तरह से तैयार है उसको ही तोड़ना है, सबको एक साथ में नहीं काटना है. काटने का तरीका इस तरह से रहना चाहिए कि पूरा का पूरा नीचे से एकदम नीचे से चप्पू के साथ में या दातरडा के साथ में काट लेना चाहिए. अगर आपका गर्मी का टेम्परेचर है या थोड़ा टेम्परेचर हाई है तो हार्वेस्टिंग हमेशा काटने का काम या जल्दी सुबह में करिए या शाम को करिए, क्योंकि अगर ये गर्मी के टाइम पे करते हैं तो हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है, पीलापन देखने को मिलता है. इसकी यील्ड अलग अलग कौन से सीजन में कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. जो अर्ली वाली वैरायटी रहती है उसके अंदर नॉर्मली 80 to 120 क्विंटल मतलब 8 से 12 टन प्रति हेक्टर के अंदर आती है. जो मेन सीजन रहता है उसके अंदर 15 से 20 टन प्रति हेक्टर आती है. अलग अलग वैरायटी कौन सी वैरायटी है उसके ऊपर रहती है. अगर आपको कॉलीफ्लावर आपने हार्वेस्ट कर लिया और आपको स्टोर करना है तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर का जो क्लाइमेट है वो 0 डिग्री पे उसको स्टोर करना है, और कोल्ड स्टोरेज के अंदर
आप 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब उतना मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं और 0 डिग्री मेंटेन में रख रहे हैं, तो 2 से 4 वीक तक अगर बाय चांस रेट नहीं मिल रहा तो आप उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये डेफिशिएंसी की बात है। ये स्लाइड में हमेशा हर में दिखाता हूं कि प्रेजेंटेशन में कि हर तत्व का खुद का महत्व है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। किसी भी तत्व को आप इग्नोर मत करिए। जैसे मैंने बताया पानी इसको बहुत ज्यादा चाहिए, मॉइस्चर इसको बहुत ज्यादा चाहिए, मॉलिब्डेनम काफी चाहिए, पोटेशियम फॉस्फरस कैल्शियम बोरॉन ये इसके इंपॉर्टेंट तत्व है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट तत्व है। एक भी तत्व की कमी आएगी तो आपका उसका सीधा यील्ड के ऊपर असर हो जाएगा। लॉ ऑफ मिनिमम हर क्रॉप पर लागू होता है, उस तरह से इसमें भी लागू होता है। किसी भी तत्व की कमी नहीं आने दीजिए। कमी आती है तो बहुत अलग अलग तरह के पेस्ट, बहुत अलग अलग तरह के डिजीज आते हैं, तो हर तत्व का आप ध्यान रखिए कि किसी की भी कमी ना आ जाए। अलग अलग पीएच पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या अवेलेबिलिटी रहती है। जैसे मैंने एक स्लाइड में बताया था कि मॉलिब्डेनम अल्कलिन में ही रहता है। अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा एसिडिक है और इसको ऑलरेडी एसिडिक जमीन की जरूरत है तो आपको मॉलिब्डेनम का यूज करना ही करना है, क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी नॉर्मली अल्कलिन जमीन में रहती है। और जमीन की पीएच बहुत ज्यादा अगर लो है, आगे 5 से भी कम है या 6 से कम है, तो मैंगनीज की वजह से मॉलिब्डेनम की कमी आ जाती है, तो आप कभी भी अच्छा उत्पादन इस पे नहीं ले पाएंगे। तो कितना पीएच है मतलब 6 से 7 के बीच में पीएच होता है तो बहुत अच्छा उत्पादन आप कॉलीफ्लावर का ले सकते हैं। ये हमारे विविध प्रोडक्ट जो हैं जो आप हमारे यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लांटेशन में कॉलीफ्लावर और वाटरमेलन। और उसके लिए हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स अमेजन के ऊपर और हमारी वेबसाइट उत्कर्ष एग्रोटेक पे अवेलेबल है। आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बारे में सब अपडेट चाहते हैं तो फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर। आज जो हम प्रेजेंटेशन है इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा। आज या कल तक इसका अपलोड हो जाएगा, तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया नया प्रेजेंटेशन हमारा आए तो आपको वो देखने को मिले। आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगे तो आप गूगल पर या फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हमारे आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा है उसके बारे में आप बताइए। अगले हफ्ते इसी समय 2 से 3 के बीच में मेरा वाटरमेलन के ऊपर भी प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। हमारी कंपनी जैसे सुरभि ने शुरू में बताया था कि 80 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो हाइड्रोपोनिक्स के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल के अंदर हमारी संपूर्ण रेंज है, अलग अलग तरह के कुदरती प्लांट प्रोडक्ट बनाते हैं, नीम आधारित दवाइयां बनाते हैं, थ्रिप्स के लिए बनाते हैं, माइट्स के लिए बनाते हैं, वायरस के लिए है। हमारी कंपनी 100% नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाती है, एक भी प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं आता है। ऑर्गेनिक मैन्योर की कंप्लीट रेंज है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम केक है, कैस्टर केक है, सभी हम बनाते हैं। पीजीआर आधारित मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आधारित, यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, एमिनो एसिड आधारित, अलग अलग हॉर्मोन्स आधारित हमारे प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हमारे पास में बायो फर्टिलाइजर की माइक्रोब्स जो हमारे इन सभी का कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास बायो पेस्टिसाइड की बहुत बड़ी रेंज है, बिवेरिया बैसियाना, पेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, वर्टिसिलियम रिटरिजियम, इन सबके कंसोर्टियम जो मैंने बताया, बायो क्लीन स्वीप, एमिनो एसिड चिलेटेड पूरी रेंज है, ईडीडीए चिलेटेड हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं। और एक्वेरियम के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके भी हमारी रेंज है, अलग अलग तरह के स्प्रेडर्स हैं, पीएच बैलेंसर हैं, ड्रिप क्लीनर हैं, किसी में भी जहर नहीं आता है। अब मैं अभी चैट बॉक्स अपना खोल रहा हूँ, आप चैट बॉक्स के अंदर अपना सवाल लिख सकते हैं, जो भी अभी तक लिखा होगा तो उसके बारे में मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे अपनी तरफ से जो बताना था वो मेरा तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब आप अपनी क्वेरी इसमें लिख सकते हैं कि आपका कोई पॉइंट मिस हो गया हो या आपका कोई जो अभी इशू हो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। What is the harvesting cycle of cauliflower from seedling? रमेश जी, वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर।
कुछ वैरायटीज के अंदर 65 डेज के अंदर साइकिल पूरा हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग से सीडलिंग। सीडलिंग के लिए आप 2 से 3 वीक ले सकते हैं या 4 से 5 वीक ले सकते हैं। कुछ वैरायटीज 65-70 डेज की रहती हैं, कुछ वैरायटीज 120 डेज तक की रहती हैं। मतलब आप कौन से समय कौन सी वाली वैरायटी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 70 से लेकर 120 डेज का साइकिल रहता है कॉलीफ्लावर का। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। कैन वी रन सेम न्यूट्रिएंट रिजाइम फॉर कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली? ब्रोकोली इज वेरी मच क्लोज टू कॉलीफ्लावर, आप कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर भी थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। हमने कॉलीफ्लावर के लिए थोड़ा सिमिलर तरह का शेड्यूल बनाया है। मैं अपने ग्रुप के अंदर सीडीडी में कॉलीफ्लावर का शेड्यूल भी डाल दूंगा जो हमने बनाया हुआ है, ताकि आप उसको ध्यान में रख के कर सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं रहता है, दोनों के क्लाइमेटिक पीरियड भी वो सिमिलर रहते हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, ये सब ठंड के समय बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप नए फार्मर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यही पीरियड में आपको लगाना चाहिए। आप सीजन फार्मर हैं, जैसे महाराष्ट्र के जो फार्मर्स को मैं जानता हूँ, सीजन फार्मर है, वो पूरे साल लगाते हैं, लेकिन बहुत सारा पेस्टिसाइड लगाना पड़ता है उस समय। बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर, बहुत सारे फंगस आते हैं, और यही राइट टाइम रहता है ये सब चीजों को खाने का भी। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ बर्ड सर? सर वापस से यील्ड के बारे में मैंने स्लाइड ली है, वापस वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करेगी। मैं आप बोलते हो तो मैं वो स्लाइड वापस खोल देता हूँ। और बर्ड डिपेंड करेगा आपने प्लांटेशन कितना, किस तरह से आपने कौन सी वैरायटी ली है, और क्या आपका प्लांटिंग डिस्टेंस है, और आपका कौन सा क्लाइमेट के अंदर आपने प्लांटिंग किया है। मैं वो स्लाइड खोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन वाली, ताकि आप ये यील्ड वाली आप इसको देख सकते हैं वापस से कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज रहती है, उसकी एवरेज 8 to 12 क्विंटल लिखा है और हेक्टर है, ये डिवाइड बाय 2.5 करते हैं तो पर एकर में आ जाता है वो 6 से 8 टन पर एकर। मेन सीजन, मतलब इसको भी मेन सीजन अपने बोल सकते हैं, तो उसमें 15 से 20 टन आता है। जो मैंने फर्टिलाइजर का शेड्यूल जो दिया है वो 15 से 20 टन आपका उत्पादन आया उसको ध्यान में रख के दिया है। ये स्नोबॉल ग्रुप की जो वैरायटी आती है वो उसमें बहुत बड़ा कर्ड बनता है, बहुत बड़ा फ्लावर बनता है, तो उसके अंदर 25 से 30 टन का भी पर हेक्टर के अंदर आता है। ये सब डिपेंड करता है आप कौन से पीरियड में कर रहे हैं और कौन सी वैरायटी आप ले रहे हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको मैं अनम्यूट भी कर सकता हूं, आपको जिसको पूछना है वो पूछ सकते हैं। आप खाली हाथ ऊंचा करना, मेरे को दिख जाएगा, इसलिए मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अरुण, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं, या आपको अगर आप हाथ ऊंचा करते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप सवाल पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं। संजय जी, आपका कोई सवाल है तो पूछिए। सर, इसमें खाली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करके हम इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं? हाँ, अगर आपने आपकी जमीन में ग्रीन मैन्योरिंग, मैंने जो शुरू में बताया था, अगर आप वो कर रहे हैं, दूसरा आप पैदावार बढ़ा सकते हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपने ग्रीन मैन्योरिंग ढंग से किया है, आपने ऑर्गेनिक मैन्योर ढंग से डाला है, उसके बाद में मैंने हमारे उत्कर्ष के तो बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, अगर आप उनका भी बायो फर्टिलाइजर का यूज भी अपने ढंग से किया है तो इस सीजन के अंदर, ये जो मेन सीजन रहता है, उसमें आप आराम से ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर उगा सकते हैं। सर, उसमें आप तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बताए हैं, तो इसका क्या कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि स्प्रे करने का, या कौन सा स्प्रे करना है, या उसके सिम्टम्स देखकर स्प्रे करना है? नहीं, आपको सिम्टम देख के आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा, ये मैंने आपको बताया है, आप सीखते सीखते आपको सब बातें मालूम पड़ेंगी। मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि हमारा शेड्यूल जो है वो प्रिवेंटिव शेड्यूल है,
ये सीजन फार्मर के लिए नहीं है, मतलब जो सीजन के लिए मैंने वो बात में जो स्लाइड बताई थी ना, बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, वो क्या है कि आप करते करते हमें आप मालूम पड़ता है, लेकिन आप प्रिवेंटिव सब कुछ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं। जी सर। आपको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो आपकी सॉइल उसके लिए बहुत अच्छी तैयार होनी चाहिए। अगर आपको सॉइल को तैयार किए बिना, ग्रीन मैन्योरिंग किए बिना और अच्छी तरह से कंपोस्ट डाले बिना, कभी भी ऑर्गेनिक के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे सॉइल टेस्टिंग का आप जिक्र कर रहे थे, सॉइल टेस्टिंग जो है कहाँ से करवाई जा सकती है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या चार्जेस रहता है? नॉर्मली हर जहाँ भी आप हो, हर तहसील के अंदर कृषि विकास केंद्र होता है। कृषि विकास केंद्र एक नॉमिनल फीस में या फ्री में सॉइल टेस्ट कर डालता है। दूसरा यूनिवर्सिटी में भी किया जाता है, वहां पे भी डिपार्टमेंट होता है कि कुछ, कोई डिपार्टमेंट पैसे लेके करता है, कोई डिपार्टमेंट फ्री में कर डालता है। या फिर आप अच्छी लेबोरेटरी रहती है वहां पे आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। ओके सर, क्या चार्ज रहता है सर मुमन? एक तत्व का कुछ, एक न्यूट्रिएंट का कोई लेबोरेटरी 100 लेती है, कोई लेबोरेटरी 200 लेती है। अगर आप कुछ न्यूट्रिएंट के 300 रुपए भी होते हैं, एक कितने न्यूट्रिएंट्स आप कराते हैं उसके ऊपर है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको कम से कम कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, मैग्नीशियम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, इनका कम से कम कराना चाहिए, और मैग्नीशियम। ओके सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। ये तत्वों की कमी है नहीं है वो उससे हमें मालूम पड़ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन रही और आगे भी सीखने को मिलेगा काफी कुछ आपसे, टच में रहेंगे। मैं अपने मेरा हर महीने 2-3 वेबिनार करूंगा। पहले मैं लॉकडाउन से पहले मैं किसानों के पास जाके सब इन्फॉर्मेशन दिया करता था। ये अच्छा मीडियम मिल गया, पूरे भारत के लोगों के साथ बात कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये वीडियो जो आज वाला वीडियो है वो अपने अपलोड कर देंगे, कुछ मिस हो गया हो, कुछ वापस देखना हो तो आज या कल तक वो लिंक हम शेयर कर देंगे अपने ग्रुप के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली सर, ये आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इससे फार्मर जो है जागरूक भी होंगे और नॉलेज भी शेयर होगी। हाँ, हमारा यही इंटेंशन है कि आपने सब लोग प्रॉफिटेबल फार्मिंग करें। मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फार्मिंग करने के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट के लिए होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर जी, आप दूसरा भी किसी को भी सवाल पूछना था पूछ सकते हैं। आप अगर सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो हम इस वेबिनार को यहाँ कंप्लीट करते हैं। आप सबके साथ हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम सब लिंक भी डाल देंगे। आपके जो दूसरे मित्र हैं जो कॉलीफ्लावर की फार्मिंग करते हैं, आप उन लोगों को भी इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। इसके अंदर यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर देंगे, जो रिकमेंडेशन मैंने बताई है वो भी हम शेयर कर देंगे। आपको जो इशू आ रहा है ये करने के लिए, कॉलीफ्लावर करने के लिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ग्रुप के अंदर डालिए ताकि मैं जवाब ग्रुप में दूंगा और उसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा। और अगर आप वाटरमेलन की खेती कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट वीक जुड़िए इसी सेम टाइम 2-3 में। अगर आप उसके अलावा शुगर केन, बनाना, मैंगो, इस तरह की खेती कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये वीडियोज ऑलरेडी हम इन सबके वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप उनको हमारे YouTube चैनल पे आप इन सब के बारे में देख सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपने वेबिनार को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल फॉर द वंडरफुल सेमिनार, थैंक यू समीर सर फॉर एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।